वेलकम बैक। इन माय प्रीवियस वीडियो आई मेक द पेज व्हिच इज यूज फॉर मल्टीपल insertion of data into database. कैसे मल्टीपल रिकॉर्ड को एक साथ में डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे वो सिस्टम हम लोग पिछले वीडियो में बनाए थे। अभी इस वीडियो में हम लोग जो बनाने वाले हैं हम जो दिखाने वाले हैं वो है जे हाउ टू एडिट द मल्टीपल डेटा, हाउ टू एडिट द मल्टीपल डेटा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको को बंद करते सब लाइन टेस्ट। आई नीड टू ओपन ए न्यू पेज एंड इन दिस पेज I just copy from the page which I made for insert of multiple data. I just copy that page for edit. To make the edit page. So edit page में हमको क्या करना पड़ेगा edit के लिए, वो आज हमको दिखाना है आपको। जैसे यहाँ पर हम दो बटन यहाँ पर लिया है, एक edit और एक delete। और ये वाला जो है ये listing है, जो data उस दिन हम लोग entry किए थे उसी का लिस्टिंग यहां पर दिखाई दे रहा है ना। अभी इसी लिस्टिंग इस डेटा को हम कैसे एडिट करें वही इस पेज में आपको हम दिखाने वाले हैं। तो इसमें क्या है, इसमें तो सिंपल सा बात है, यहां पर क्लिक करेंगे एक नंबर अगेंस्ट में जितना सारा वाउचर है सब हमारा डिस्प्ले कर देना करेगा। उसके बाद हमको उसमें लिखना है जे कैसे हम उसको एडिट करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहां पर लिखते हैं इफ डॉलर गेट आईडी Now pay number is equal to get ID. Okay. So now हमको ये जो number मिल गया है with this number I like to locate the data from in database. तो हमको सिंपल सा बात है HTML वही सेम चीज लिखना है, माय मेन कॉन प्रिपेयर सिलेक्ट डिस्टिंग सॉरी VCH नंबर टीयर इन कोड डेट फॉर्मेट
डेट एक एसक्यूएल कमांड जो आपको डेट फॉर्मेट के लिए चाहिए, जिसे परफेक्ट डेट इसमें डिस्प्ले करेगा, नहीं तो आपका डेट उल्टा सही ढंग से डिस्प्ले नहीं करेगा। एक्स डेट, बट डेट भी देख सकते हो कोई बात, डेट पार्टी नेम अमाउंट बाय कोड का जरूरत नहीं है, अमाउंट देने से हो जाएगा नरेशन फ्रॉम TBL रिसिप्ट, है ना। TBL रिसिप्ट वायर VCH नंबर इज इक्वल टू VCH STMT बाइंड पैम VCH पे एनो राइट and now STMT execute. यहां से हमको दो नंबर लेना है, एक डेट लेना है एंड डेट लेना है, तो हम इसमें फॉर इच कर सकते हैं बात, लेकिन हम एक ही ये कर रहे हैं लूप, एक ही SQL क्वेरी लिख रहे हैं, जिस SQL क्वेरी के थ्रू हम लोग हम जो डेटा हम इंसर्ट कर चुके हैं उस डेटा को भी हम कॉल करेंगे, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा एक अब दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। दूसरा तरीका है जैसे आप सिंगल रो को किस हिसाब से कॉल करते हैं उसी हिसाब जिस हिसाब से कॉल करते हैं उसी हिसाब से कॉल करके आप उसको बुला सकते, चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम ऐसे करें क्योंकि हमको एक ही क्वेरी लिखना है, हमको दो क्वेरी नहीं लिखना है। इसमें ए में एक डाटा हो गया एम के डाटा, इसमें हम डेटा डे को पे नंबर तो आ गया इधर से, तो पे नंबर इधर तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, वो पहले से डाला हुआ था पे नंबर, क्योंकि पे नंबर ऑटो जनरेट कर रहा था पे नंबर, और यहाँ पर डेट भी हमको अलग से करने का ज़रूरत नहीं, सी डेट देने से भी हो जाएगा, हम सी डेट अगर इसमें ये करते हैं तो सी डेट को यहाँ पर हम कॉल करते हैं तो इसमें सी डेट भी हमारा काम कर जाएगा। अभी जो मेजर काम इसमें करना है वो हो गया है, यहाँ पर जो मेजर काम बाकी है इसमें वो हो गया डेटा टेबल में जो मल्टीपल डेटा को हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, है ना, जो डेटा हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं उस डेटा को कॉल करके, एंड इसमें इसको हम किस हिसाब से कॉल करेंगे और किस हिसाब से यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे, तो इसमें हम एक ऐसा एक काम करते हैं, टी बॉडी यहाँ पर एक टी बॉडी डाल देता है टी बॉडी, ठीक है ना, एंड यहाँ पर PHP का एक कॉल कर ये करते हैं एंड वेरिएबल i, ठीक है ना, अभी फॉर इच इसमें ये करते हैं रिजल्ट एज आई रो, ठीक है ना, अभी इसको करके यहाँ पर हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना।
क्लोज करके हमको आगे जाना है जहां पर टी बॉडी को हम लोग ये करेंगे, खत्म करेंगे उस टाइम वहां पर हमको टी बॉडी यहां पर खत्म हो गया। यहां पर हम फिर से पीएचपी लिखेंगे एंड आई को आई जो वेरिएबल है उसको हम यहाँ पर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गया, इतना तक मेरा काम हो गया। मेन काम जो है यहाँ पर है, यहाँ पर जो भी हम लिखे हैं पहले वो सब कुछ रहेगा। शेप चेंज हो जाएगा, क्या चेंज हो जाएगा? ए वाला छोटा छोटा चीज इसमें चेंज होगा, जैसे डेटा इसमें आ जाएगा पीएचपी इको डॉलर आई, माने इसमें हमको आई का वेरिएबल इसमें हमको डालने का है ना। ऐसे ही आई का काफी सारा जगह में ए वेरिएबल को हमको असाइन करना है। पहले हम जो जो जहाँ पर ए वाला असाइन होगा वो हम कर लेते हैं, क्योंकि तब हमको बाद में और कुछ जो चेंजेस है वो चेंजेस करने में हमको ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने से हो जाएगा, ऐसा भी बात नहीं। यहाँ पर तो कुछ सब सिंपल एक ही चीज लिखना है ऐसे, क्योंकि जो हमको ये जो आई जो है, आई तो सब में वेरिएबल एक ही ये होगा ना, तो इसमें हमको जो अभी जो इसमें हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा वो हो गया आईडी। ये आईडी में इसमें क्या होगा, PHP इको आई है, इस तरीके से हमको सब में जैसे जैसे जहां पर हम लोग ये डिक्लेयर किया था सब जगह में एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करना है। मेरा जितना है वो हम कॉपी पेस्ट कर दिए। अब भी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू हम कहाँ पर डालेंगे, तो वही हम लोग को सबसे ये जो पार्ट है दिस इज द वैल्यू एंड इनिशियलाइजेशन करना जरूरी है। इको टी आर इन कोड ओके, इसमें आ जाएगा वैल्यू पीएचपी इको सॉरी नॉट टी आर इन कोड पीएचपी इको आईरो डॉट टी आर इन है, ठीक इसी हिसाब से हर जगह में को ये डालना है। ये माने जो जो वेरिएबल का कॉलम का वैल्यू है वो यहाँ पर डालने का है। ये पार्टी नेम हो गया, ये हो जाएगा आपका नरेशन, नरेशन लास्ट में हो जाएगा आपका ये क्या हो गया और बीच में डाल देगा लास्ट हो गया अमाउंट राइट अमाउंट ओके।
हम लोग देख सकते हैं एक बार, कोई गलती तो नहीं लिखा। गलती तो हम लोग लिखे हैं, जैसे रिजल्ट 40 नंबर में रिजल्ट 14। ओ यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मिस कर गया, यहाँ पर होगा रिजल्ट इज इक्वल टू एचटीएमटी फेच ऑल पीडीओ अरे यार पीडीओ देखो एक लाइन में तो ठीक आ गया, दूसरा लाइन में ठीक नहीं आया। क्यों नहीं आया, यही तो हम लोग को देखना है। आया क्यों नहीं, दिस इज द मेन फंडा, आया क्यों नहीं। ए आ गया TRTD माई डाटा कोड PHP ये भी ठीक है, ये भी तो ठीक लिखा है, ये भी ठीक लिखा है। ये ठीक लिखा है, यहाँ पर ठीक ही लिखा है, TD तो यही है, टी बॉडी के नीचे लिखना लिखा था टेबल। हाँ देयर इज द प्रॉब्लम, I think it's work now. सिर्फ अमाउंट नहीं आया, बिकॉज ऑफ अमाउंट का वेरिएबल जो है शायद मैच नहीं किया। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, अमाउंट आया, अमाउंट तो है, लेकिन यहाँ पर अमाउंट आया, अमाउंट लिखा भी है। हियर इज we already declare value here, right? Now amount भी आ गया, date भी आ गया, 17 तारीख को entry किया था, date भी आ गया, narration आ गया, code आ गया, everything has come perfectly. Just click against this voucher number, there are every voucher will become a in this way, the voucher number is 1 and it will come against one voucher number 1, जो भी डेटा है सब डेटा यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अभी इसको सेव भी हम लोग कर सकते हैं, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं, एंड द सेव इज वेरी सिंपल। रिसिप्ट, वेयर इज रिसिप्ट, सेव, रिसिप्ट नॉट एंट्री, रिसिप्ट एडिट एंट्री ना, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा जी भाई। अभी हमको एक इसको सेव करना है, सेव करने के लिए क्या करना है, वही सेम चीज ही करना है और एक फाइल लेना है, इसमें यहाँ से ही कॉपी करना है, हमको एक्स्ट्रा कुछ
तो लिखना नहीं है, एडिट सेव, जस्ट फाइल का नाम चेंज करना है। इसमें एक चीज हमको लिखना पड़ेगा, क्या ये जो ये कैलकुलेट हो रहा है ना, ये कैलकुलेशन हमको नहीं चाहिए, उसके बदले में क्या चाहिए हमको, पे नंबर, उसका क्या है पे नंबर के वैल्यू, पे नंबर तब पोस्ट, डॉलर पोस्ट पे नंबर, ओके। अभी एक काम करना है हमको, क्योंकि हमको तो एक ही डेटा को दो बार नहीं डालना है उसमें, तो उसको क्या करना है, वेरी सिंपल, प्रीवियस डेटा को हम डिलीट कर देंगे, जो भी प्रीवियस डेटा रहेगा उसी वाउचर नंबर के अगेंस्ट में उस डेटा को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करके फिर से हम सेव करेंगे, दिस इज सिंपल। तो SQL delete from TBL received where VCH number is equal to VID, okay, SQL STMT main prepare SQL, STMT bind just this and stmt execute. So तो हम क्या किया, previous number के previous जो number हम लोग delete कर रहे हैं उस number के अगेंस्ट में जो भी voucher जो भी record ATPL receipt table में पड़ा हुआ है उसको हम पूरा delete कर देंगे। delete करके फिर से ये वाला एंट्री हम लोग इसी हिसाब से इस तरीका से हम लोग हम जो टेबल में डिस्प्ले कर रहा था उसको सेव करेंगे, है ना, इंसर्ट करेंगे। देखिए क्या है, इसको हम 25,000 रुपया कर देते हैं। गलती हो गया क्योंकि हम चेंज नहीं किया था, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ सेम रिकॉर्ड दो बार हो गया। एडिट सेव यहाँ पर डालना पड़ेगा हमको, एडिट सेव तो हम देखते हैं, इसको देखते हैं, इसको ऐसा एक वैल्यू दे देता है सेव, एडिट सेव डॉट पीएचपी नहीं है, क्या है तब है, ओ ए ई डी आई टी, स्पेलिंग मिस्टेक है, कुछ नहीं है, एडिट गलत हो गया, एडिट सेव, अभी इसमें क्या कैनॉट बी नल 39, यहाँ पर हमको थोड़ा सा चेंज करना है, क्या चेंज करना है बता देता हूँ, यहाँ पर जो वेरिएबल डाले है मैक्स आईडी, दिस मैक्स आईडी ये यहाँ पर
पे आई डी हो जाएगा, पे आई डी एंड माई एक्सेल इज द सेम, है ना। तो इसको हम एक बार फिर से नया तरीका से कर करते हैं। देखिए एक नंबर डिलीट हो गया क्योंकि हम एक बार कॉलम लिखा जाए, डिलीट करके एडिट करेंगे, डिलीट करके फिर से इंसर्ट करेंगे, दिस इज द प्रोसीज्योर। अब ये डाल रहे हैं, इसमें अगर एरर देगा, हाँ देखिए कुछ भी एरर नहीं है, हम इसको चेंज कर रहे हैं, 250 रुपया कर रहे हैं, तो 250 रुपया होके आ गया। अभी इसको डिलीट करेंगे तो कैसे करेंगे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जो हम इधर लिखे हैं, इधर जो लिखे हैं, इतना कॉपी करेंगे और यहाँ पर एक फाइल ले लेंगे, फाइल लेके इसका नाम डाल PHP डाल दिया। अब ये रिक्वायर सेशन वगैरह वगैरह जो लिखना है वो लिखेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके डाल दिया। एंड यहाँ पर एक चेक रखना है, इफ गेट आईडी, राइट, मैं पे नंबर इज इक्वल टू गेट आईडी, ठीक है। अभी इसमें भी वैसे लिखना है, हमको कुछ करना नहीं है, सेव इसको। दैट्स इट, इतना लिखने से ही आपका इसका नाम एक बार देना पड़ेगा, इसे डिलीट। सो लेट्स सी, वार्निंग, इंडेक्स पेयर नंबर, देयर इज समथिंग मिस्टेक। ये नहीं होगा, एक साथ में दो नंबर का जितना भी है सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है, पूरा डिलीट हो गया। फिर से हमको अगर एंट्री करना है, एम के शाह अमाउंट रिसीव बाय कैश, एक भी एंट्री, एक एंट्री भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी एंट्री कर सकते हैं। है ना, ये दो एंट्री करके हम छोड़ देंगे, इसको सेव आ गया सेव में। सो दिस इज द प्रोसीजर टू हाउ टू डिलीट एडिट एंड इंसर्ट मल्टीपल रिकॉर्ड in your database. If you follow this system, then in future आपको कभी भी कुछ multiple entry करना है, जैसे bill entry करना है, purchase bill entry करना है, sell bill entry का कोई module बनाना है PHP में वा कोई भी दूसरा language में आप बनाने जाएंगे, तो यही procedure आपको अपनाना पड़ेगा, समझ गया ना। इसी प्रोसीड्योर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, दिस इज द एक्चुअल प्रोसीड्योर एंड दिस इज द वे टू टू इंसर्ट मल्टीपल डेटा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू आर नॉट स्टिल सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड गेट द वीडियो लिंक in your mobile by notification. Thank you very much.